स्प्लिट स्पून है, इसको स्प्लिट बैरल भी कहते हैं और स्प्लिट सेंटर भी बोलते हैं। ये इसका शू है, इसका जो है लेंथ है 3 इंच और इसको दो हॉल में स्प्लिट कर देते हैं जब हम सिंपल निकालते हैं। जब हम सिंपल ले लेते हैं तो इसको ऐसे फिक्स कर लेते हैं, इसके साथ शू लगा लेते हैं। इसको ऐसे फिट कर दिया, फिर क्या करते हैं इसका इसको ऐसे एडाप्टर यूज करते हैं। लेकिन एडाप्टर इसका ही नहीं है, इसके साथ एडाप्टर होता है, एडाप्टर। ओके कोई बात नहीं, बराबर फिट हो जाता है तो इसके ऊपर हम चाक है अगर ये जमीन के अंदर हो या कैसे के अंदर हो गया, तो इधर हम चार से ये 15 और ये 15 टोटल बनता है ये 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। जब ये पोर्शन चला जाता है सॉइल में, अगर लूज या मीडियम सॉइल हो, तो इसको हम बोलते हैं सीडिंग ड्राइव। और ये जो बाकी जो 30 है इसको बोलते हैं टेस्ट ड्राइव। इसी पर 20 स्टैंडर्ड में 25 ब्लो से बढ़ के नहीं लगाना चाहिए, और इसी पर 25 या ज़्यादा कम। लेकिन एक बात है कि टेस्ट ड्राइव पर 50 से हम बढ़ के नहीं लगाते, इसी को बोलते हैं टेस्ट ड्राइव। अगर हमारे पास ये ग्राउंड कंडीशन टाइट हैं और ये अंदर नहीं जाता है, जिधर ये चला गया फंस के 230 चले गए, उधर हम मार करेंगे, बाकी हम डिवीजन हम मिटा देंगे, नए डिवीजन लगा देंगे 15 15 15। ये 20 रन में है। ए स्टीम में क्या है, अगर आपका सिलिंग ड्राइव कंप्लीट हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ, गो ऑन अहेड फॉर द टेस्ट ड्राइव। सो ये है डिफरेंस बिटवीन बीएस 1377 और ए स्टीम स्टैंडर्ड में।